सो गाइज, दिस इज अ वेरी रैंडम वीडियो विद माई ब्रदर, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं अकेले क्वेश्चन कैंसिल करूंगी, पर मैंने ये सोचा कि अगर ये बालक की बुद्धि जरा टेस्ट की जाए. वैसे कुछ ऐसे टेक्निकल क्वेश्चन तो है नहीं, पर ये मतलब क्या पता मैं 25 साल की होगी उतनी अच्छी एडवाइस ना दे पाऊँ जितना मेरा ये 14 साल का भाई दे पाए. सो ये नहीं बतानी है. सो क्यों लड़कियां भाग जाएंगी? सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो. ऐसे करना होता ना वीडियो. मैम, मेरा बॉयफ्रेंड सिर्फ डिमांड करता है फिजिकल रिलेशनशिप के लिए और कुछ नहीं मेरे लिए करता है. गर्ल, वो लव नहीं, लस्ट है. बहुत सिंपल सी बात है. सो समबडी सेइंग नो फैमिली नो फ्रेंड इज विद मी, कांट सर्वाइव एनी मोर, वांट टू एंड अप माय लाइफ, एनी लास्ट ऑप्शन टू सेव माय सेल्फ, देन यू शुड गो टू महादेव. जब आपको लिटरली ऐसा लगने लगता है ना कि सब खत्म होने वाला है, उसी टाइम से लाइफ सही शुरू होनी लग जाती है. जब आप बिल्कुल हार मान जाते हो ना, कुछ मत करो, सिर्फ महादेव की पूजा करो, हैव फेथ इन योर सेल्फ, और जो काम आप करते हो वो काम प्लीज डेली करो, एंड नहीं तो हाथ पाओ मारो, कहीं ना कहीं आप फिट हो जाओगे. और यार, एंड ऑफ द डे जब आप खुद की पहचान बना लेते हो ना, तो फैमिली, फ्रेंड्स, दोस्त, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड सब आपकी इज्जत करने लग जाते हैं. आपको पहले खुद की इज्जत करनी पड़ेगी, तभी सामने वाला आपकी इज्जत. क्या मैंने सही आंसर दिया? वुड यू लाइक टू से समथिंग? नो, बहुत बुरा था. गाइस, एक और भाई मेरे क्वेश्चन के आंसर्स देगा. आ जा. एक मिनट, था इसमें? हाँ, 17. फर्स्ट रिलेशनशिप टिप, शुरू ही मत करो. अबे हाँ, अबे खुद पे फोकस करना चाहिए, फालतू सब टाइम वेस्ट ही तो है. बचपन का प्यार क्या होता है कि अरे सही लग रहा है, टाइम पास, अट्रैक्शन होती है, फ्यूचर में पता लगे अरे ये कुछ करता ही नहीं है. लेट्स मूव ऑन. बात तो सही है. देखो, जब अच्छा इंसान मिल जाए तो रिलेशनशिप बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर खराब इंसान मिल जाए तो जिंदगी बर्बाद हो जाती है. स्टिल स्टॉक माय एक्स, मैं रुक नहीं पाती, खुद को अपने एक्स और उसके न्यू गर्लफ्रेंड को देख के बहुत स्टॉक करती हूँ, क्या करूँ बताओ. अस मूवमेंट हो गया. ये दोनों खुद अपने एक्सों को स्टॉक, तुम अपने एक्सों को स्टॉक करते हो? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है. सॉरी, इनका एक्स नहीं है, तो मजाक कर रही थी. एक ही जगह नहीं बनाएंगे तब तक आपकी जिंदगी में नया इंसान नहीं आएगा. यू नीड टू ब्लॉक दैट पर्सन. आपको क्या लग रहा है कि आपका एक्स आपके साथ बुरा था तो उसके साथ बहुत अच्छा होगा? सब दिखावा है. एग्जैक्टली, तब भी मेड में फ्लश आउट कर देता है ना. जब वो फ्लश आउट करता है तभी उसकी जिंदगी में गीत आती है. अब यार, ये क्वेश्चन लड़कों से ही पूछते हैं. लड़कों को वो लड़कियां क्यों अच्छी लगती है जो उन्हें भाव नहीं देती? क्योंकि फिर मजा आता है चेस करने में. यस, एग्जैक्टली. चलो, नहीं होती है कुछ अनुशासन नहीं है. लड़का हो चाहे लड़की, दोनों ही ऐसे होते हैं. दोनों ऐसे होते हैं जो चेस करते हैं तो मजा आती है. ऐसा होता है जैसे कोई चीज चाहिए होती है, उसके जब पीछे भागते हैं तब तक सही रहता है, जब वो मिल जाती है फिर मजा नहीं आता. यही तो आजकल की जनरेशन का बुरा हाल हो रहा है. रेड फ्लैग हो रहा है. हाँ, वो है ही रेड फ्लैग. इसका मुंह देखना, पूरी एफ बॉय एनर्जी दे रहा है मुझे. मैं क्या करूँ, कैसे भूलूँ मेरी एक्स को? मुझे बहुत दर्द दे रही है उसकी यादें. सिंपल, एक मंत्र, फिर उसकी गुड़िया बनाओ तुम लोग, और फिर चाकू लो के ऐसे ऐसे दिखाते हो सर. याद आना बहुत नेचुरल है, चीज रहती है, बट मैं चोटा मार दूंगी. क्रिश, किसी इंसान को भूलना इतना आसान नहीं है, बट यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि जो पेन उस इंसान ने आपको दिया होता है, उस पेन को कभी मत भूलो. यस, मेमोरी स्टेज फॉर एवर, बट यू रियली नीड टू रियलाइज कि अगर वो आपको छोड़ के गई है तो इसका मतलब वो आपके लिए अच्छी थी ही नहीं. जो अच्छी होगी वो कभी छोड़ के नहीं जाएगी. पॉइंट. ओके, थैंक यू.
सो हाउ डू यू बैलेंस इन योर डेली एक्टिविटीज एंड फिटनेस? सो बेसिकली मुझे एक चीज का रहता है कि मैं अपने शरीर को एक घंटा जरूर दूं, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, क्योंकि एंड ऑफ द डे माई बॉडी इज माई टेम्पल. इफ आई विल टेक केयर ऑफ माई बॉडी, तभी जो मैं पैसे कमा रही हूँ उनको मैं इंजॉय कर पाऊंगी. हाँ. नहीं तो वही पैसा मेरी हेल्थ में लग जाएगा. पॉइंट है. राइट. सो इसी काम की, वो मेरा भगवान है, मेरा काम मेरा भगवान है, मेरे काम से मेरी पहचान है, तो मैं अपना काम करूंगी चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए. फ्रेंड आपको इम्पोर्टेंट नहीं समझता और मैसेज सीन पर छोड़ देता है. तो फिर आपके लिए वो अच्छा है ही नहीं, क्योंकि लड़के बहुत सिंपल होते हैं. यहाँ बैठे हुए हैं, मैं आपको क्लियर बता दूं कि लड़का अगर मैसेज करना चाहता है तो वो करता है, नहीं करना चाहता तो वो नहीं करता. मतलब अगर वो नहीं कर रहा तो मतलब वो आपको प्यार नहीं करता. आपको समझ आ रही है मैं क्या कहना चाह रही हूँ? वो बाथरूम बैठा हुआ है, वो सोच रहा है. Shut up, guys. Boys are very simple. नहीं, अगर वो आपसे प्यार करते हैं तो करते हैं, नहीं करते तो नहीं करते. अगर वो आपको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है, इसका मतलब वो आपको नहीं देना चाहता. आपको समझ क्यों नहीं आता है? ऐसा नहीं है, बात है वो एक्चुअली आपके जो भेजा है मैसेज का मीनिंग सर्च करता है गूगल में. वर्ड है क्या? 90% टाइम मेरे को जो मैसेज आता है मैं सर्च करता हूं इसका मीनिंग क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट है या फिर. बकवास मत कर, वो तुम्हें इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा, छोड़ दो उसे अभी के अभी. रिलेशनशिप के बारे में वीडियो बना दी थी, मुझे ब्रेकअप इंटरकास्ट की वजह से टूट गई. या देखो लिसन, ये चीज ना बहुत ही हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती है, बिकॉज इसमें कभी कभी पेरेंट्स मान जाते हैं, कभी कभी पेरेंट्स नहीं मानते, क्योंकि सबके पेरेंट्स अलग होते. कुछ लोग ऐसे होते कि आप करियर में बहुत सक्सेसफुल हो जाते हो लेकिन फिर भी पेरेंट्स नहीं मानते. कुछ लोग आप बहुत सक्सेसफुल हो जाते हो तो वो बहुत स्टबर्न होते तब भी मान जाते हैं. तो मैं यही कहूंगी कि अगर रिश्ता नहीं हो पाया इसका मतलब महादेव ने आपको किसी चीज से बचाया है और इससे बेहतर कुछ आने वाला है लाइफ में. तो आई नो इट्स सो इजी टू से इट, बट ट्रस्ट मी गर्ल, वर्क ऑन योरसेल्फ, यू गोना गेट अ गुड मैन. एम आई राइट? यस यस. थैंक यू. हाउ टू लूज वेट इन वेट फैट इन हॉस्टल्स? यार आई नो जब आप खाने जो मिलता है वो हो ही जाता है. हो ही जाता है वहाँ पे, क्या खाना ही ऐसा है. हो जाएगा धीरे धीरे. मेरा 8 किलो वो लूज हो गया था वहाँ पे. हाँ वहाँ पे 8 किलो. लेकिन गाइज अगर आपका फिर भी लूज नहीं हो रहा तो प्लीज यार ट्राई टू अवॉइड फ्राइड खाना. हॉस्टल खाना पसंद किसे? भाई फ्राइड खाना मत खाओ, मैदा जितना हो सके उतना अवॉइड करो, और चीनी. ये तीन चीजें आप छोड़ोगे और रोज कुछ नहीं तो 10,000 स्टेप्स अपने फोन में लगा के रोज वॉक करोगे, यू विल लूज वेट फॉर श्योर. लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर्स एंड वेजिटेबल्स. कृष्णा बताएगा, दीदी मेरा बॉयफ्रेंड लड़ता बहुत है, वो छोटी बातों पे कोई इकट्ठा करके मौका देख के लड़ता है बातों को लेके, आप बताओ मैं क्या करूं? ब्रेकअप. समझे नहीं लाइक उसको मजा आता. तुम मीनिंगलेस बातें बोलता है भाई, सिंपल बात है. सामने वाले को लाइक किसी को प्लीज करने में इंटरेस्ट आता होगा तो वो आ जाएगा. अगर वो आपसे लड़ता है वो आपके लिए अच्छा नहीं है बेटा. एक सेकंड, सब तेरे जैसे नहीं होता है ऋषभ. मैं सबको मैनिपुलेट कर रहा हूं. मैं मैनिपुलेट कर रहा हूं. ही इज टॉक्सिक फॉर यू. द क्वेश्चन इज हाउ डिड यू मूव ऑन? हम पे ट्राई ना. हमने तो किया ही नो. हाउ आई मूव्ड ऑन? बाय एक्सेप्टिंग द रियलिटी कि वो मेरी जिंदगी से इसीलिए गया क्योंकि मुझे बेहतर बनना था. और ट्रस्ट मी, अगर मेरा ब्रेकअप नहीं होता ना तो मैं यहाँ पे यूट्यूब पे वीडियो नहीं बना रही होती, मैं इंस्टाग्राम पे मेरे 297,000 फॉलोअर्स नहीं होते, मैं अपनी बॉडी पे काम नहीं कर रही होती और मैं यहाँ पर बैठ के आपको एडवाइस नहीं दे रही होती. जिंदगी अच्छी हो जाती है यार जब जो कोई आपका दिल तोड़ के जाता है ना. तो सोचो अब आपका अच्छा टाइम स्टार्ट हुआ है. गर्लफ्रेंड चीटेड ऑन मी एंड आई स्टिल लव हर, व्हाट डू? आई स्टिल सी हर ड्यूरिंग माय रेगुलर क्लासेस. शी इज नॉट अ गुड पर्सन फॉर यू. अगर तुमसे कोई प्यार करता है, चुप रहे. साइकियाट्रिक से बात है उसके क्या. लिसन गाइस, इफ समबडी चीट्स ऑन यू इट्स नॉट यू, ठीक है? मतलब बेसिकली कि आप में कमी थी इसलिए उसने चीट नहीं किया, क्योंकि उस इंसान के अंदर इतना शैलोपन है, उतना खाली है कि और तमीजी मत करो. बेसिकली दैट पर्सन इज नॉट गुड फॉर यू बच्चे, क्योंकि इफ समबडी चीट्स ऑन यू मुझे से लगता है उससे ज्यादा घटिया इंसान कोई नहीं है इस पूरी दुनिया में, इससे ज्यादा घटिया कोई नहीं है. सही बात है. नरक में भी जगह नहीं मिलेगी. दो लीड़ा टड़क टड़क टड़क. रात में सो नहीं पाती हूँ, मूव ऑन नहीं हो पा रहा है, ओवर थिंकिंग बहुत करती हूँ. किताब खोल लो तुरंत नींद आ जाएगी. का सेकंड अटेम्प्ट आ रहा है ये. उम्र इसलिए नहीं कर पा रही क्योंकि तुम अभी भी स्टॉक हो, उसे स्टॉक कर रही हो. बहन स्टॉक करना बंद करो, एक्सेप्ट द रियलिटी कि वो गधा था और गया.
how to overcome your loneliness when you don't have anyone in your life and listen to you, understand and stay with you. So now, like that's the best phase of your life. अपने ऊपर काम करो, looks look maxing, gym जाओ, gym जाओ, पढ़ो, gym जाओ सालो. अगर आपका boyfriend आपको धोखा दे तो क्या उसे एक और chance देना चाहिए? No. बिल्कुल नहीं. He will be same person. दीदी एक लड़की मुझसे रूठ गई है, उसे कैसे मनाऊं? प्लीज रिप्लाई देना. लड़की को मनाने का सबसे अच्छा तरीका है राइट लेटर फॉर हर एंड चॉकलेट एंड मे बी वन रोज विल ऑल्सो वर्क एंड ऑल्सो जेन्युइनली से सॉरी ट्राई टू यू नो अपोलोजाइज एंड टेल हर कि अरे यार सॉरी तो हंसी आ गई है कृष्णा बता रहे कट कर कट कर देना लाइफ एम क्या है कृष्णा तेरा सक्सेसफुल Yeah. तुझे पैसे कमाना आज से हो गया मेरा लाइफ एम है कि मैं इतनी ज्यादा सक्सेसफुल हो जाऊं कि मुझे सब जाने एवरीबॉडी नोज मी इन अ वेरी पॉजिटिव वे नॉट इन अ नेगेटिव वे यू हैव अ क्रश ऑन अ बॉय बट ही इज ऑलरेडी कमिटेड बट आई लाइक हिम वेरी मच देन व्हाट शुड वी डू ब्रो इफ ही इज कमिटेड शट अप इफ ही इज कमिटेड स्टे अवे This is not right. If somebody is committed, you should not spoil somebody's relationship. अगर वो इंसान मतलब single होता, then it is a different thing. But आप किसी आप खुद सोचो आप relationship में आपका कोई आपके boyfriend को like करो, उसे आके propose कर दे, आपको अच्छा लगेगा? Bro, मतलब आप उस लड़की के साथ गलत करोगे, right? So never do that. ऋषभ कह रहा है मैं तो यही करता हूँ, ना मजाक. Okay. Can you tell me about your boxing MMA journey? मैंने 7 months करा and I'm very happy I did that. I feel very confident and my body feels very good. And मेरे भाइयों को बिल्कुल interest नहीं है. What's your favorite person? Mahadev. Person भगवान. He's my favorite person. Okay, this is for all the people who are having their boards. All the best. Don't be scared. He's sitting just right here making videos with me. वर्ड्स है इसके 10 दिन में 10 दिन नहीं 4 दिन में इंग्लिश 4 दिन में कल स्टार्ट करूंगा इंग्लिश 3 दिन में खत्म करूंगा स्केयर्ड सबको डर लगता है यार बट एंड में ना सब अच्छा ही होता है और तुम्हारा करियर बढ़िया ही होगा मैं आज इस वीडियो में लिख के दे रही हूँ तुम लिख के ले लो अच्छा ही करोगे आगे जाके सर हाउ टू हैव अ सेल्फ कॉन्फिडेंट हाउ टू बी स्ट्रांग कॉन्फिडेंस आता है खुद पर काम करके अगर आप अपने बॉडी पे काम करेंगे आप अपनी लैंग्वेज पे काम करेंगे आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आएगा मतलब बेसिकली यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियोस होती है यार मतलब अगर आप लड़की हो तो मेकअप करना सीखे अपने पे मतलब बोल इंग्लिश कैसे और अच्छी कर सकते हो अपनी ड्रेसिंग सेंस कैसे और अच्छी कर सकते हो सेम गोज फॉर गाइज गो टू द जिम और इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी करिए अपनी नए लोगों से मिलोगे यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट गाइज अब मेरे को टाइम आ गया कि मैं इन दोनों को भगाऊं निकलो अभी हाँ निकलो How to be like you? You don't need to be like me. You just be yourself. Just improve yourself, right? You just want to be you. तुम्हें मैं क्यों बनना है मेरे में बहुत कमियां हैं सेम तुम्हारे में है अपनी उन कमियों को gracefully accept करो और अपने पे काम करो What's your backup plan like what after content creation? Not a content creator. मेरे को एक दो साल ही हुए हैं कि मैंने proper content creation को फुल टाइम जॉब लिया है वरना इससे पहले आई वॉज अ सोशल मीडिया मैनेजर आई वॉज असिस्टेंट डायरेक्टर मुझे लगता है कि मैं कुछ ना कुछ वर्कआउट कर ही लूंगी बट आई विल नेवर स्टॉप मेकिंग वीडियोज बिकॉज दिस इज वॉट मेक्स मी हैप्पी व्हेन इफ आई एम नॉट इन माई बेस्ट लुकिंग फेज आई गॉना मेक वीडियोज बिकॉज पीपल एक्सेप्ट मी हियर पीपल गेव मी द आइडेंटिटी हियर सो आई विल नेवर लीव कॉन्टेंट क्रिएशन आई लव कॉन्टेंट क्रिएशन How to force for self to move out from breakdowns, lots of love. Yeah, breakdowns हम सबके होते हैं क्योंकि कभी कभी इतनी ज्यादा negativity हो जाती है ना कि हमें realize ही नहीं हो पाता कि हमारे साथ क्या हो रहा है और why this thing is happening with me. It's fine to have breakdowns. But once you have breakdowns, get up and go to mandir, have your favorite food and it's fine. It's just a bad day, not a bad life. Some days can be bad. Everybody have their own bad days. Beautiful. कुछ जिंदगी खराब नहीं हो सकती कुछ दिन बुरे हो सकते हैं जिंदगी हमेशा खूबसूरत होती है और अगर महादेव कहते हैं कि आज अच्छा नहीं दिन है तो कल आएगा कल नहीं तो परसों आएगा पर अच्छा टाइम जरूर आएगा गाइज मैं इस क्वेश्चन का आंसर एक साथ ही दूंगी कि हाउ टू मूव ऑन
लॉट ऑफ पीपल से हाउ टू मूव ऑन, इट्स रियली हार्ड. देखो यार, सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है. कुछ लोग दो दिन मूव ऑन कर जाते हैं क्योंकि रिलेशनशिप में वो इतना ज्यादा गो थ्रू कर चुके होते हैं कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा होता है, तो जब वो ब्रेकअप होता है तो उन्हें लाइट फील होता है. कुछ लोग बहुत ज्यादा इन्वेस्टेड होते हैं और जब एकदम से वो बंदा उनको छोड़ के जाता है तो उन्हें एक्सेप्ट ही नहीं हो पाता है. सबसे पहले तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ ठीक है, ये रिलेशनशिप खत्म हो चुका है, पर अब मैं आगे क्या कर सकती हूँ. उस इंसान के बारे में सोच के रो सकता हूँ या रो सकती हूँ, या फिर रियलिटी को एक्सेप्ट करके अपने ऊपर काम करके और कभी बेहतर इंसान की तलाश कर सकती हूँ. बेहतर तलाश करने की जरूरत नहीं है, अच्छा इंसान वैसे खुद ही आ जाता है. इसमें अगर कुछ खत्म होता है ना तो उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन होता है. कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है. दिस थॉट हैव सो मच डेप्थ दैट यू डोंट इवन रियलाइज. सो अपने काम पे फोकस करो, अच्छा इंसान आपको मिल जाएगा. देखो, किसी ऐसे इंसान के साथ रहना जो आपके साथ रहने ही नहीं चाहता है, क्या फायदा. मेरा एक्स बोल रहा है वो मेरी क्लास आ रहा है कुछ दिनों से, बट मैं उसकी सेकंड आईडी देख रही थी, सेम डीपी लगा रखी है उसने किसी और लड़की के साथ, मुझे उस आईडी से ब्लॉक कर रखा है. ब्रो, ही इज अ चीटर. उसे दोनों लड्डू चाहिए, प्लीज लीव हिम, ही इज प्लेइंग. ओके ओके, दिस इज माय फेवरेट. माय पेरेंट्स सपोर्ट लव मैरिज बट लव मैरिज डज नॉट सपोर्ट मी. क्या किया जाए, दैट्स मी, दैट सेम इज हैपनिंग विद मी. माय पेरेंट्स सपोर्ट लव मैरिज बट आई कैन नॉट फाइंड वन पर्सन, दैट्स व्हाई माय पेरेंट्स आर ट्राइंग टू फाइंड पर्सन फॉर मी. सो ऐसे होता है गाइस, जहां पे लोग एक्सेप्ट नहीं करते वहां पर क्या नाम है, आपके पास बंदा भी होता है, बंदी भी होता है. जहां आपको एक्सेप्ट कर रहे होते हैं वहां पे कोई नहीं होता. आप लॉट ऑफ पीपल हैव आस्क्ड कि हाउ टू गेन वेट. सी, आई एम नॉट अ एक्सपर्ट एंड बट मेरा क्या रहा है कि मैंने कभी वेट गेन में नहीं रही हूँ, ना ही कभी वेट लूज में रही हूँ. मैं हमेशा फिट रहने में रही हूँ, मतलब जैसे मेरी बॉडी है उसको मेंटेन करने के लिए. बट वेट गेनिंग का मुझे से लगता है कि प्रॉपर अगर आप प्रोटीन प्रॉपर पोर्शन आप खाने का ले रहे हो तभी आपका वेट गेन होता है. और उसके साथ साथ आपको वर्कआउट भी करना होगा, और इसके साथ आप डॉक्टर को अगर न्यूट्रिशनिस्ट को कंसल्ट कर सकते तो उससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता है. बट आप ये नहीं है कि आप बहुत सारा खा रहे हो, आप क्या खा रहे हो वो बहुत मैटर करता है. जैसे कि आप अपनी डाइट में प्रोटीन ऐड कर रहे हो, आप अपने डाइट में एग्स पनीर, अगर आप चिकन खाते हो तो चिकन ऐड कर रहे हो, नहीं तो ये तेल ऑयली वगैरह आप नहीं खा रहे हो, फ्रूट्स खा रहे हो, फाइबर्स खा रहे हो, अपनी स्किन का ध्यान रख रहे हो, तो ये सारी चीजें बहुत मैटर करती है. जो मुझे पर्सनली लगता है, दिस इस जनरेशन में सेक्स काफी कैजुअल हो गया है. अब तो सब यही करना चाहते हैं, कोई भी रियल लव नहीं चाहता. दैट इज ट्रू, दैट इज कम्प्लीटली ट्रू. मैं आपको एक बात बताऊं, आज के टाइम में ना प्यार लग्जरी हो गया है. यस, मतलब कि आज के टाइम में अच्छी जॉब, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, ये खरीदने की गारंटी है. पर अगर वो इंसान जिससे आप भी प्यार करते हो, जो आपसे भी सेम लेवल पे प्यार करता है और आप दोनों साथ हो, उस रिलेशनशिप पे वर्क कर रहे हो और उसे आगे लेके जा रहे हो, ये लग्जरी है. ये हर किसी को नहीं मिल रहा. अगर आपको मिल रहा है तो आप बहुत 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 ज़्यादा लकी हो. सो या, सबको फिजिकल रिलेशनशिप चाहिए. प्यार आज के टाइम में ना कोई दे पा रहा है ना ले पा रहा है. आई थिंक दैट इज इट फॉर दिस वीडियो. बहुत ज़्यादा ऑलरेडी लंबी वीडियो हो चुकी है. सो आई होप अगर आप यहाँ तक वीडियो देखते हो आए हैं, सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू. थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग मी. आई लव यू. डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल. बाय.